हेलो भाइयों, कैसे हो यार? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो यार बहुत सारी कमेंट आ गई थी, तो मतलब शॉर्ट्स बना नहीं पाया, तो काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ फिर से सारे कमेंट के ऊपर। तो ये तीसरा पार्ट है आप सभी की जो कमेंट आती है उसके ऊपर। तो वीडियो शायद लंबी हो भी सकती है, नहीं भी, अगर आपको लंबी लगती है तो आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, ठीक है? तो सारे कमेंट उठाते हैं हम और आपको जवाब देते हैं, ठीक है? तो जो पहली कमेंट है ये है शशि पाठक की, ये कह रहे हैं जो ट्राई के डॉक्टर बोले उसको ऑनलाइन अमेजोन से ले सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। तो भाई देखो, अमेजोन से मंगवा लो तुम, ठीक है? जैसे मान लो शैम्पू मंगवा लिया, कुछ भी मंगवा लिया, पर उससे तुम्हें जो है याद रखना पड़ेगा, रिमाइंडर लगाना पड़ेगा कि भाई मैंने अगर आज 1 तारीख को प्रोडक्ट मंगाया है तो नेक्स्ट 1 तारीख को मुझे मंगाना है, और बीच में छुट्टा रहनी चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्राया से मंगाते हो तो वो खुद ही रिमाइंडर देते रहते हैं, 5 दिन बचे हैं भाई मंगा लो, 10 दिन बचे हैं मंगा लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं से भी मंगवा लो, पहले ट्राया पे जाके टेस्ट कर लो, और आपको जो जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे टेस्ट के बाद आ जाता है पूरी लिस्ट आ जाती है, वो सारे प्रोडक्ट आप अमेजोन से भी मंगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? बाकी ये रिमाइंडर रहता है वहाँ, तो थोड़ा ठीक रहता है। और मेरे ख्याल से अगर आप ट्राया से मंगाओ, अमेजोन से मंगाओगे तो शायद सपोर्ट नहीं मिलेगी आपको बुक करने के लिए, ये भी एक नुकसान है। आप फिर उनके जो वो होते हैं, हमें समझाते हैं डॉक्टर टाइप से, वो वहाँ पे आप कॉल बुक नहीं कर पाओगे अगर आप अमेजोन से ऑर्डर करोगे तो, ठीक है? तो ये है इनका सवाल का आंसर। नेक्स्ट भाई, ये आर के अंसारी ऐसा कुछ नाम है इनका, ये कह रहे हैं क्या मैं रिकैप सीरम की जगह मिनोक्सीडिल यूज़ कर सकता हूँ? तो भाई देखो, मैं आपको बता दूँ, आप रिकैप सीरम की जगह मिनोक्सीडिल यूज़ ना करो तो बेस्ट है, क्योंकि रिकैप सीरम आपको बहुत लो स्टेज में दिया जाता है। जो मिनोक्सीडिल होता है वो बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है, ठीक है? उसको कम से कम 8 से 10 महीने यूज करना पड़ता है। अगर आप उसे मिनोक्सीडिल को यूज करोगे और तुरंत छोड़ दोगे तो भाई हेयर फॉल हद से ज़्यादा हेयर फॉल होगा, हद से ज़्यादा हेयर फॉल, ठीक है? उसे यूज करने के बाद उसे छोड़ने का एक तरीका होता है, तो अगर हेयर रिकैप सीरम दिया है तो वो यूज करो। बाकी मिनोक्सीडिल करना है तो लंबे टाइम के लिए करना पड़ेगा, जैसे मैं भी अभी कर रहा हूँ, मुझे 9 महीने हो चुके हैं, ठीक है? तो बाकी आपके ऊपर है, मिनोक्सीडिल अगर यूज करोगे तो उसे अचानक से नहीं छोड़ सकते, उसे छोड़ने का एक प्रॉपर तरीका होता है। नेक्स्ट है हमारा मुकेश सोनी, ये भाई कह रहे हैं भाई हेयर रश टेबलेट खाते हुए 2 महीने हो गए हैं, रिजल्ट कब दिखेगा? तो देखो भाई, हेयर रश, अगर आप, मुझे नहीं पता आप क्या क्या ले रहे हो, लेकिन अगर हेयर रश के साथ हेयर विटामिन, हेल्थ तत्व और मिनिऑक्सीडिल या हेयर रिकैप सीरम प्लस शैम्पू प्लस तेल सारी चीज़ें यूज कर रहे हो तो 3 महीने के बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी आप अगर ओनली हेयर रश ले रहे हो तो पता नहीं, रिजल्ट कह नहीं सकता मैं, ठीक है? नेक्स्ट है शशि पाठक, इनका हो गया है। नेक्स्ट है भाई, कह रहे हैं इनका नाम नहीं है, ब्रदर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर कैसे करें? तो भाई देखो, जब हम, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, जब हम ऑर्डर पूरा कर लेते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है सीओडी का, तो आप उसे सेलेक्ट करके कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर बुक कर सकते हो। और नेक्स्ट है हमारा दीपक, दीपक भाई कह रहे हैं भाई हेयर फॉल में एग खा सकते हैं क्या? ट्राई नॉन वेज के लिए मना करता है। तो इनका मैंने कमेंट में भी आंसर दे दिया है, तो आपको बता दूं, देखो स्टार्टिंग में जो हमारे फर्स्ट एंड सेकंड मंथ होते हैं तो उसमें नॉन वेज एंड डेयरी मिल्क जैसी चीज, जैसे नॉन वेज, अंडा, दूध, दही, मीठा, ये सब मना किया जाता है। क्यों? फर्स्ट एंड सेकंड मंथ हमारे जो है वो हीलिंग डे होते हैं, जब हम वो ये सारी चीज़ें छोड़ के हमारी बॉडी मतलब हील करती है, और मतलब एक तरीके से प्रिपेयर होती है, ऐसा मान सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तक मत खाना, बाद में धीरे धीरे खा लेना। और ऐसा नहीं है 100% डाइट फॉलो करो यार, मैं भी नहीं करता मतलब, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अच्छी डाइट लेने की, ठीक है? तो नेक्स्ट है इनका भी अगला सवाल है सैयद सैयद वासिफ, ये कह रहे हैं भाई अगर डाइट कर रहे हैं तो चाय पी सकते हैं क्या? देखो चाय वैसे तो नहीं पीनी चाहिए, गर्म होती है, लेकिन कभी हफ्ते में 1 या 2 बार पी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हल्के मीठे की। नेक्स्ट है हमारी इनका नाम नहीं है, आपको ट्रायल से रिजल्ट मिले क्या? तो भाई देखो, ट्रायल से रिजल्ट मिले हैं, वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, रिव्यू काफ़ी सारे हैं, आप वो जाके देख सकते हो चैनल पे भाई। नेक्स्ट है भाई, ट्राया यूज कर सकते हैं यार, मैंने जल्दी में किट मंगवा लिया है पर डर लग रहा है, उस किट को 3 दिन ही यूज किया है।
पर डर लग रहा है कि यूज़ करूँ ना करूँ, तो भाई देखो डरने वाली क्या ज़रूरत है, आप यूज़ कर सकते हो, आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी पड़ती है, तभी रिजल्ट नज़र आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट खुशबू मिश्रा ये पूछ रही है कि रिकैप सीरम है क्या। तो देखो मैं, रिकैप सीरम सिर्फ उन लोगों को मिलता है जिनकी फर्स्ट स्टेज होती है, और जो सेकंड स्टेज में भी कभी कभी रिकैप सीरम दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर फर्स्ट स्टेप में मिलता है। क्यों? क्योंकि मैंने बात की थी इनसे कॉल बुक करके रिकैप और मिनी ऑक्सीडल के बारे में। मिनी ऑक्सीडल तब दिया जाता है जब बिल्कुल ज़्यादा ही बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, तो मुझे जो है रिकैप सीरम की ज़रूरत नहीं थी, मुझे मिनी ऑक्सीडल की ज़रूरत थी, इसलिए मुझे मिनी ऑक्सीडल मिला है। नेक्स्ट भाई ये है अनीता, हाय, कैटो जोनल शैम्पू से भी हेयर फॉल होता है क्या। देखो हेयर फॉल जो है, आप किसी भी शैम्पू से बाल धो लो, बस उसके अंदर सल्फेट और पैराबिन नहीं होना चाहिए, बाकी एक चीज़ और होती है, नाम याद नहीं आ रहा, सल्फेट और पैराबिन, इन दोनों के अलावा एक चीज़ और होती है, वो तीनों चीज़ अगर नहीं हो तो ऐसा शैम्पू, केमिकल फ्री शैम्पू है तो आप उससे बाल धो तो नहीं झड़ते। और इसके अलावा हेयर फॉल डिपेंड करता है आपके नींद पे, आपके खाने पीने पे क्या चीज़ है। ठीक है, खाना पीना अच्छा करो, नींद पूरी लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाल नहीं झड़ते ज़्यादा। फिर है भाई का है कतर लाइफ स्टाइल, मिनी ऑक्सीडल लगाने से क्या बाल झड़ते हैं, प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो मिनी ऑक्सीडल लगाने से बाल स्टार्टिंग में झड़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारी जो है बाल कमज़ोर होते हैं, तो उसकी वजह से कुछ बाल टूट जाते हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, जो भी होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप गन्ना ले लो, गन्ने की जो है जो कुछ हम स्प्रे वगैरह दवाइयाँ लगाते हैं, तो कुछ पेड़ सूख जाते हैं जो कमज़ोर होते हैं, तो ऐसा मान सकते हो। इसी तरह मिनी ऑक्सीडल जब हम स्टार्टिंग में यूज करते हैं तो उससे थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं। और भाई नेक्स्ट है भाई, गुड इवनिंग, मेरा थर्ड मंथ का किट आ गया है, लेकिन उसमें मिनी ऑक्सीडल लगाने का कोई सब्सिस्टेंस नहीं मिला है, मैं क्या करूं, प्लीज़ बताएं। ये है सिद्धूरी का। तो भाई देखो ऐसा है, मिनी ऑक्सीडल का कोई ऐसा मिलता नहीं है, उनकी तरफ से कॉल आता है 48 घंटे के अंदर। ठीक है, तो मिनी ऑक्सीडल कुछ नहीं होता, मिनी ऑक्सीडल स्टार्टिंग में जो है आप 1-1 ml सुबह शाम लगाना होता है। ठीक है, 1 ml सुबह 1 ml शाम लगाओ, और बाकी इतने ही सवाल थे, वीडियो ख़त्म हो चुकी है। और मैं लास्ट में कंक्लूजन ये देना चाहता हूँ, ये जो भी चीज़ें थी ज़्यादातर लोगों का सेम ही यही बताते हैं, बाकी एक बार आप अपने जो कंसल्टेंट्स होते हैं आपके ट्राई की तरफ से आपको मिलता है, उनसे पूछ सकते हैं, बाकी एज इट इज सेम चीज़ें होती हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं, बाकी अगर अदर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम पे कॉल भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो, बाकी कमेंट करके बता सकते हो कोई अदर क्वेश्चन। एंड थैंक यू सो मच।